क्या आपने रिंकल खन्ना का नाम सुना है? जी हाँ, रिंकल खन्ना की दास्तां है ये, जो आगे जाकर बनी बॉलीवुड की रिंकी खन्ना। जन्म 27 जुलाई सन 1977 में हुआ। पिता राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार और माँ डिंपल कपाड़िया जबरदस्त अभिनेत्री। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, ये जलते हैं। इनकी बड़ी बहन ट्विंकल खन्ना ने भी फिल्मों में हाथ आजमाए थे और इनके जीजा जी अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं। तेरा ये देख के चेहरा, तेरा ये देख के चेहरा, गगन बीचा रुक गया। दरअसल इनका नाम रखा गया था रिंकल, पर जब फिल्म आई मुझे कुछ कहना है तो इनका नाम रिंकी कर दिया गया। इस फिल्म में इन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाया था। 2003 की फिल्म चमेली में भी ये सपोर्टिंग किरदार निभाती ही नजर आई थीं, पर इनका फिल्म डेब्यू रहा प्यार में कभी कभी सन 1999 की इस फिल्म से। उसके बाद आई मुझे कुछ कहना है, जिस देश में गंगा रहता है, और फिर रिंकी खन्ना ने रुख किया तमिल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। फिल्म का नाम था मजनू। कुछ फिल्में बॉलीवुड की तो कुछ टॉलीवुड की। 2002 में ये बन गई एक मासी, क्योंकि ट्विंकल खन्ना ने जन्म दिया एक बेटे को जिसका नाम रखा गया आरव। रिंकी खन्ना के ऊपर कुछ बेहतरीन गाने पिक्चराइज किए गए, मुझसे मुसुआसी, केमचे वगैरह वगैरह। जब रिंकी खन्ना ने फिल्मों में कदम रखे थे तब ये मात्र 22 बरस की थीं। गोविंदा, सलमान खान और डीनो मौर्या जैसे एक्टर्स के साथ काम करने के बाद रिंकी खन्ना ने ठान लिया अब फिल्मों को ये टाटा बाय बाय कह देंगी। 8 फरवरी सन 2003 में 4 साल के मुख्तसर से करियर के बाद समीर सरन नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट से इन्होंने शादी कर ली। इस शादी से इन्हें एक बेटी भी हुई। रिंकी खन्ना अपने पिता और माता की तरह फिल्मों में तो बहुत नाम ना कमा पाई, लेकिन कुछ बड़े अच्छे फैसले लेने के बाद रिंकी खन्ना ने बॉलीवुड और फैमिली दोनों के बीच तालमेल बना ही लिया। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।